ये जो लालटेन लेके आप घूम रहे हैं वो लालटेन रामगढ़ का नहीं है, वो भी लालटेन गोपालगंज से ही लालू यादव ला करके आपको दिए हैं, पहले उसके बारे में तो बताइए। सर में आए हैं, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आए हैं सर, आप पे कल एक हमला किए हैं राजद के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, क्या बाहरी हैं, इस पे आपका क्या जवाब है सर? राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को पहले ये बताना चाहिए कि लालू जी की बेटी स्विट्जरलैंड से आके छपरा चुनाव लड़ रही है, वो बाहरी है कि भीतरी है। सुधाकर सिंह जी को ये भी बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव का जन्म हुआ गोपालगंज में और राघोपुर से जाके वैशाली से विधायक हैं, वो बाहरी हैं कि भीतरी हैं। और तेज प्रताप यादव जी जिनका घर है गोपालगंज और समस्तीपुर से जाके चुनाव लड़ते हैं, उनको भी बताना चाहिए वो बाहरी हैं कि भीतरी हैं। और मैं महागठबंधन प्रत्याशी को ये सलाह दूंगा कि आपकी पार्टी और आपके पिताजी और आपने जो काम किए हैं उसके आधार पर वोट मांगेंगे। हमारे बारे में बक्सर की जनता, हमारे बारे में जो आप बहुत चिंतित हैं कि हम कहाँ के रहने वाले, हम तो बक्सर के ही हैं और महर्षि विश्वामित्र जी की ये तपोभूमि है। विश्वामित्र जी भी बक्सर के नहीं थे, प्रभु श्री राम की ये शिक्षा स्थली है, वो भी अयोध्या से आए थे, तो किसका किसका सर्टिफिकेट मांगिएगा आप? इसीलिए इस बाहरी भीतरी में मत जाइए और पहले ये बताइए कि स्विट्जरलैंड से आपको छपरा में उम्मीदवार क्यों उतारना पड़ा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा, यह चुनाव राम वर्ष में हो रहा है और आपके नेता ने हमारे राम मंदिर के आंदोलन करने वाले के हमारे सबसे अग्रणी नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की गिरफ्तारी क्यों की थी। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी जो इस जगदीशपुर के रहने वाले थे और आज उनका विजयोत्सव समारोह है, आज से 2 साल पहले मैंने जगदीशपुर में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाकर और भारत के तिरंगा झंडा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराया था, तब आप कहाँ थे? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रत्याशी महोदय जो लालटेन लेकर के एलईडी जी के जमाने में घूम रहे हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि मैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई प्रवचन न जाई, इस बात की हर जगह चर्चा कर रहा हूँ। आपको ये भी बताना चाहिए कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है, उसमें आपके नेता का कितना योगदान है, इतना बता दीजिए, उसके बाद सभी सवालों का जवाब यहाँ की जनता दे देगी। बक्सर के विकास के लिए सर जी, और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके पिताजी भी 5 साल सांसद रहे हैं और कुछ नहीं कर पाए, तो जब पिताजी नहीं कर पाए तो ये क्या कर पाएंगे? और इनको जो घमंड है ना बहुत, तो ये विधानसभा में कितना वोट इनको आया था उसको भी जरा सार्वजनिक करें। और मैं जहाँ पर मेरी जाति का कोई वोट नहीं है वहाँ से मैं 15,000 से जीत के आया था और आज बक्सर में मैं हूँ, तो बक्सर में एक तपस्वी बन करके, बक्सर को मंदिर समझ के पुजारी बन करके, और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने, चिराग पासवान जी ने और उपेंद्र कुशवाहा जी ने, इन सभी लोगों ने मिलकर, जीतनराम मांझी ने मिलकर के और बक्सर की सेवा के लिए मुझे भेजा है। मैं आप महागठबंधन प्रत्याशी से यही कहूँगा, वोट मांगिए, ये बाहरी भीतरी के चक्कर से बाहर आइए और पहले ये भी बताइए कि जो लालटेन लेके आप घूम रहे हैं वो लालटेन रामगढ़ का नहीं है, वो भी लालटेन गोपालगंज से ही लालू यादव ला करके आपको दिए हैं, पहले उसके बारे में तो बताइए।